नमस्कार विकास, और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ा जानकारी देंगे झारखंड की ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटिव। बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि मुझे स्कॉलरशिप पैसा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अजय नाथ झा जो झारखंड के आदिवासी कल्याण आयुक्त हैं, स्कॉलरशिप को पैसा ट्रांसफ़र करने से लेकर के सारा कुछ इन्हीं के हाथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने साफ सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दिया है, किसी भी योग्य छात्र छात्रा की छात्रवृत्ति रुकेगी नहीं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 की छात्रवृत्ति का भुगतान जून 2024 से शुरू हो चुका है, यानी कि जो नए सत्र जो 2023-24 के अप्लाई स्टूडेंट्स किए हैं जिनका फाइनल अप्रूव हो चुका है, ठीक है, उनका जून यानी कि पिछले महीने से जून 2024 से शुरू हो चुका है, और जुलाई तक हम इसे पूरा करना चाह रहे हैं ताकि इसी वर्ष में हम शैक्षणिक सत्र 2024-25 का भुगतान भी कर सकें, ठीक है। यानी कि 2023-24 का जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हुए हैं उनका वेरिफिकेशन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, और झारखंड सरकार भी एक्शन में ली है, और इसका जो मंत्री हैं दीपक बिरुवा उन्होंने भी इसका मॉनिटरिंग खुद से कर रहे हैं, ठीक है, कि स्कॉलरशिप का पैसा जितना भी साल दो साल पीछे का भी पैसा रुका हुआ है सभी को मतलब कि इसी महीने क्लियर करने के लिए बात कहा गया है, पेमेंट करने के लिए, और वेरिफिकेशन भी बहुत तेज़ी से करके स्टूडेंट्स को पैसा देने की बात कही जा रही है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। झारखंड सरकार ने अपना कल ही बताया है कि सभी लोगों का जितना भी पैसा रुका हुआ है सबका जल्द से जल्द पेमेंट करने के लिए बात कही जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 2023-24 का जिनका भी फाइनल अप्रूव हो चुका होगा उन सभी लोगों को इसी महीने तक पेमेंट्स मिल जाना है, ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है DLC में है रुका हुआ उन सभी लोगों को भी पैसा इसी महीने लास्ट जुलाई तक पैसा मिलने की उम्मीद है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 का भी भुगतान जल्द से जल्द मतलब कि करने की बात कही जा रही है, हालांकि बहुत लोग अभी 24-25 का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन 2023-24 का जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं उन लोगों को बहुत जल्द पैसा मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ई कल्याण स्कॉलरशिप का हर अपडेट आपको समय समय मिलता रहे। मिलेंगे जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ हो।